जैविक उपायों में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु यानी एनपीवी का उपयोग प्रभावी व पर्यावरण हितैषी भी है। एनपीवी घोल बनाने के लिए एनपीवी ग्रसित काले रंग की 10 से 15 फली भेदक की सूंडियों को खेतों से एक डिब्बे में इकट्ठा कर लें। ग्रसित सूंडी न मिलने पर खेतों से 10 से 15 स्वस्थ सूंडियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और पहले से तैयार एनपीवी घोल में 2 घंटे तक भीगे चने के दाने इन सूंडियों को खिलाएं। पांचवें दिन इन सूंडियों को इकट्ठा करके पानी के साथ मसलकर महीन कपड़े से छान लें। एनपीवी की मात्रा को लार्वा समतुल्य यानी एलई की इकाई में नापा जाता है। 3 एनपीवी ग्रस्त सूंडियों से प्राप्त तैयार घोल को 1 एलई माना जाता है। सूंडी के प्रभावी नियंत्रण के लिए चने की फसल पर 250 एलई 250 लीटर पानी और अरहर की फसल पर 350 एलई एनपीवी 350 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर का छिड़काव प्रभावी होता है। छिड़काव के लिए पानी में एनपीवी घोल में प्रति लीटर की दर से 1 मिलीलीटर टीपॉल, 1 ग्राम गुड़ और 1 मिलीलीटर तरल साबुन भी मिलाया जाता है। एनपीवी घोल का छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए, जिससे सूरज की तेज किरणों से एनपीवी का प्रभाव कम ना हो जाए।